दो तीन और अच्छे सीजन ऐसे चल जाएं, फिर हमारी दुकान दोबारा से सेट। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती रवि, सब अच्छा होगा। जी भाई जी। इसीलिए बोलती हूँ, टाइम से सोया कर तो टाइम से उठेगा, पर नहीं हो गई ना स्कूल बस मिस। मम्मा आपको तो पता है ना सुबह की नींद बहुत जरूरी होती है। हाँ तो सोया ही रह जाता ना तू, उठा क्यों? बैग उठा। संध्या इसे स्कूल छोड़ने के बाद बाजार से सब्जियां लेकर आना, लंच के लिए कुछ भी नहीं है घर में। जी मम्मी जी। हाँ भाभी मैं क्या सोच रही थी, मैं भी चलूँ आपके साथ मार्केट, वो घर का कुछ सामान लेना है, डोरमेट वगैरह, तो वो भी शॉपिंग कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है चलो चलो। आते हैं चाची जी। चलो रिंकू जा। इसे तो बस मौका चाहिए घर से बाहर निकलने के लिए। ये वाला देखिए मैडम, ये कल ही नया स्टॉक आया है। आओ भाई। अमित चलो शुरू करते हैं अगला राउंड तमाशे का। सारा बंदोबस्त कर लिया है ना? आप अप्पी जी सब तैयारी होगी, बस दो तीन मिनट और। ऐसा बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अब पल्लवी ना उसे पता चलेगा किसने पंगा किससे लिया है। चलो। अच्छा भाभी आपको वो पप्पी याद है? हाँ कल जब मैं रिंकू के लिए ब्राउनी लेने गई थी ना तो वो वहीं पे था, उसको देख के ना इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी, बहुत अजीब आदमी है वो। नहीं सच्ची में मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब वो घर आया था। अरे तूने तो बहुत अच्छा काम किया जो ताऊजी को ना पेपर में साइन करने से रोक लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे ये देखो यही है दुकान, यहाँ से हम घर का सारा सामान लेते हैं। अरे ये तो हमारी शॉप के एकदम सामने है। हाँ और दाम भी बहुत रिजनेबल लगाता है। चलो फिर ले ले जल्दी। क्या क्या लेना है हमें? अब वो लिस्ट, देखो वो लिस्ट रखी थी ना मैंने, हाँ, एक बार चेक करना। भैया वो दिखाना। हमें हमारे पैसे वापस दो। हाँ हमें हमारे पैसे वापस दो। भाभी ये इतना शोर क्यों है? देखो कैसे भीड़ लगी है, सारे के सारे कलर फेड है, सारी साड़ी का प्रिंट निकल गया है। अरे मैंने इस दुकान से 3 साड़ियां लेके गई थी और सब के सब अभी से फटने लगे। लगता है फ्रॉड लग गई है। अरे फ्रॉड किसको बोल रही हैं आप? इस मार्केट की सबसे पुरानी दुकान है हमारी। बहुत पुरानी दुकान समझ के लिए थे यहां से साड़ी। अरे लूट रहे हैं हमें ये लोग। हमें हमारे पैसे वापस दो। हां हमें हमारे पैसे वापस दो। हमें अपने पैसे वापस दो। ये तो हमारी दुकान है। हां चलो ना देखते हैं। आपका रेपुटेशन कैसा भी हो, हमें हमारे पैसे चाहिए, ये साड़ियां नहीं चाहिए। हमें हमारे पैसे वापस दो। ये तो हमारी दुकान है, इन लोगों ने तो हमारी दुकान पे हल्ला बोल रखा है। तो भाभी ऐसा ऐसा माल तो हमारे यहाँ नहीं आता, फिर किस बात की कंप्लेन कर रहे हैं ये लोग? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप लोग। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? चोरों की दुकान है ये। और नहीं तो क्या, सस्ती साड़ियाँ बेचते हैं ये लोग, किसी साड़ी का कलर निकल गया, कोई साड़ी फट गई है, और उतार पैसे भी वापस नहीं कर रहे, और बोल रहे थे कि बहन जी हमारे यहाँ से लेके जाइए, बहुत बढ़िया माल है और अच्छी क्वालिटी है। ये है अच्छी क्वालिटी? अरे ये साड़ियाँ मैंने मेरी बेटी के ससुराल में भेजी थी शगुन के साथ में, और सबका कलर फेड हो गया। पता है आप इन लोगों की वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई, और तो और लड़के वालों ने लड़की को भी वापस भेज दिया। कुछ भी मत बोलिए आप। अरे आप जानबूझ के थोड़ी कोई करता है। शांत हो जाइए प्लीज, आप बस 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार बात करती हूँ प्लीज। हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें पैसे चाहिए। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ प्लीज। एक मिनट क्या हो रहा है सब? प्लीज आप लोग एक मिनट शांत हो जाइए। कोई साड़ी एक्सचेंज नहीं होगी, रोज की 100 साड़ियाँ बेचते हैं हम, और अभी तक तो किसी की कंप्लेंट आई नहीं। आप लोग ही पता नहीं क्यों चढ़े जा रहे हैं, और साड़ियों के साथ हम वॉशिंग इंस्ट्रक्शन डालते हैं ना, वो पढ़ी नहीं आप लोगों ने? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सबूत आपके सामने, ये देखो ये देखो। इन सब ने हम सबके साथ फ्रॉड किया है। इतनी पुरानी दुकान है इसलिए तुम पे भरोसा किया, और तुमने? अरे इससे अच्छा तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की होती। हाँ अब की जरूरत नहीं होती। एक मिनट, यहाँ लिखा है ना हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, साड़ियाँ खरीदने से पहले पढ़ा नहीं था? नो एक्सचेंज नो रिफंड। तो इसका मतलब आप साड़ी की जगह पे कटे हुए कद्दू थमा दोगे? मजाक की क्या कोई? बोलो हम सबको पैसे चाहिए हमारे। पैसे दीजिए हमारे, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, आज पैसे लेकर जाएंगे। ऐसे कैसे पैसे वापस कर देंगे? अभी भैया प्लीज प्लीज काम डाउन, पर शांति से बात करते हैं, ऐसे वो लोग और भड़क जाएंगे, प्लीज रुकिए ना। पल्लवी सही कह रही है, अब थोड़ा सा प्लीज शांत हो जाइए ना।
मेरा नाम पल्लवी है, ये हमारी शॉप है, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बात करके आप लोग का सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्लीज बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो चाहे कर लो पल्लवी जी, रोक नहीं पाओगे इस भीड़ में लोगों को, क्योंकि इस भीड़ में हमारे भी तो लोग हैं। तू चोर, तेरा बाप चोर। बात कर और तो क्या डरा रहा है, मर जाए तो मुझसे बात कर। मुझसे बात करूं मैं? रवि, रवि, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, वापस चाहिए हमारे पैसे, हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। क्या गलत क्या कह रही है वो, थोड़ा समझो ना, जब तक नुकसान सहने का जिगरा नहीं होगा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कुसुम, चलो हम तुम्हारी बात मान भी ले, लेकिन दुकान को खड़ा करने में सुभाष और रवि का पूरा हाथ है, ऐसे ही लुट जाने दे उसे। भाई साहब, अब जब आज सबको मौका मिल रहा है बात करने का, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, दिल पे मत ले लेना। कितना समय देते हैं आप दुकान के लिए बताइए ना, कितना समय देते हैं आप दुकान के लिए? घड़ी में 12 बजे की घंटी बजने से पहले दरवाजे की घंटी बजाते हैं आप, सुबह के सिर्फ 2 घंटे देते हैं आप दुकान में, तो इसीलिए ना आपके मुंह से ये रेपुटेशन, खून पसीना जचता नहीं आप पे। सुन, बस हो गया, तुम हादे पार कर। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, बस। घर का भी यही हाल है, दीदी ऑफिस जाती, आकाश ऑफिस जाता है, ये परकटी घर में पड़ी रहती है, अब पूछिए कितनी मदद करती है। घर की सारी बागडोर मैं और मेरी बहू संभालते हैं। अरे नौकरों को भी तनख्वाह मिलती है, हमें तो वो भी मिलने से नहीं, ये इनकी आंखों पर आपकी पट्टी बंधी हुई है। भाई साहब से पूछे बिना ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मेरी आंखों पे किसी की पट्टी नहीं, सब दिख रहा है मुझे। दुकान क्यों नहीं बेची आपने बताइए ना, दुकान क्यों नहीं बेची आपने? कोई एक ढंग की वजह बता दीजिए मुझे, अगर बेची होती मेरे बेटे को उसका हिस्सा मिल जाता। अब दुकान बेचिए, अब दे दीजिए मेरे बेटे को उसका हिस्सा, फिर चलाइए अपनी दुकान नुकसान में, हम क्यों भुगते? बस हो गया कुसुम। पापा, सुभाष, मम्मी जी नहीं पल्लवी, इस वक्त नहीं। ये सब क्या हो रहा है? चाचा जी ने चाची जी को थप्पड़ मारा, वो तो ऐसे नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करते। मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है।
ये नहीं होना चाहिए था। रफी भैया को वो गलत वेंडर कहाँ से मिल गया? समझ में नहीं आ रहा है पल्लवी को हर जगह अपनी टांग अड़ाने की जरूरत क्या होती है, ना वो दुकान जाती और ना भाई साहब और ये मिलके पैसे वापस करने का सोचते। मम्मी जी आप प्लीज शांत हो जाइए ना, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए? कैसे शांत हो जाइए? घर के खर्चों का कुछ अता पता है? रिंकू की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, इनके पैसे कैसे देंगे हम? आकाश भी और पल्लवी से थोड़े पैसे ले लेंगे ना? मत लो उस चुड़ैल का मेरे सामने। ये जो रायता है ना उसी का फैलाया हुआ है। मम्मी जी बाहर जा, बाहर जा। देख रवि, यही एक दुकान है जो अपनी है, इसे छोड़ना मत। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सब स्ट्रेस में टूट रहे, अपने ससुराल वालों को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसे तो नहीं देख सकती मैं सब कुछ लूटते हुए। माँ तो करें क्या, कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है हमारे पास। डील तो पहले ही बिगड़ चुकी है। ना ना, डील अभी तक बिगड़ी नहीं है। मैं जाऊंगी पप्पी के पास, बात करूंगी उससे, कुछ ना कुछ तो तोड़ वो जरूर निकालेगा। पैसों की मुसीबत से ना तो मैं निकालूंगी तुझे। मेरे बेटे के बिजनेस और करियर के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, जिससे भी भिड़ना है भिड़ जाऊंगी। मगर मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। पैसों की टेंशन है ना, मैं रवि भी और चाचा चाची को ये अकेले नहीं झेलने दूंगी। मैं भी उनका साथ दूंगी, लेकिन ये दुकान नहीं बिकेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।